मेरे राम मेरे राम सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में मेरे सरकार आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। प्रेम की गंगा बखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहा करे प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, आया है दिल को सुकून के करीब आने में, आया है दिल को सुकून के करीब आने में। मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर, मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर। अटका था जिसको पाने के खातिर इस जमाने में, अटका था जिसको पाने के खातिर इस जमाने में। तेरी आहट से है वाकिफ, नहीं चेहरे की है दरकार। तेरी आहट से है वाकिफ, नहीं चेहरे की है दरकार। तेरी आहट से है वाकिफ, नहीं चेहरे की है दरकार। तेरी आहट से है वाकिफ, नहीं चेहरे की है दरकार।
नहीं चेहरे की है दरकार, बिना देखे ही कह देंगे, बिना देखे ही कह देंगे, लो आ गए हैं मेरे सरकार। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सुनी दुनिया से तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरी इस सुनी दुनिया से तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरी इस सुनी दुनिया से तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरी सोनी दुनिया से, मेरी इस सोनी दुनिया से, कहूँ हर दम यही सबसे, कहूँ हर दम यही सबसे, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, 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 मेरे सरकार आए, लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगी कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए छवि नव नील नीरद सुंदरम दानव दैत्य वंश निकंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम
उस सुन सिया सहित ही हर शियली हर सुन जाए कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे सियावर राम चंद्र की जय। साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा निर्मल मन के तर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा निर्मल मन के तर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा राम नाम के साबुन से। नर शरीर अनमोल रे प्राणी प्रभु कृपा से पाया है छल प्रपंच में पढ़कर प्रभु को क्यों बिसराया है झूठे छल प्रपंच में पढ़कर प्रभु को क्यों बिसराया है समय हाथ से निकल गया तो हो समय हाथ से निकल गया तो सर धुन धुन पछताएगा राम नाम के साबुन से। झूठ कपट निंदा को त्यागो हर प्राणी से प्यार करो कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो घर में आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो पता नहीं किस रूप में आकर हो पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा नाम के साबुन से। साधन तेरा कच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं साधन पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं मंजिल को पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं निश्चय है तो भवसागर से ओ निश्चय है तो भवसागर से
बेड़ा पार हो जाएगा। राम नाम के साबुन से दौलत का अभिमान है झूठा यह तो आनी जानी है। अनेक हुए कितनों की सुनी कहानी है। राजा रंग अनेक हुए कितनों की सुनी कहानी है। राम नाम प्रिय महामंत्र ही हो, राम नाम प्रिय महामंत्र ही साथ तुम्हारे जाएगा। के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से। भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं मानव बनकर धरती पर अवतरित हुए। महाराज मनु और महारानी शतरूपा को दिया हुआ वरदान सत्य किया। वही महाराज मनु
और महारानी शतरूपा अपने अगले जन्म में अयोध्या धाम के महाराजा दशरथ और महारानी कौशल्या हुए। नारायण ने नर शरीर धारण कर इन दोनों महान पुण्य आत्माओं के पुत्र के रूप में जन्म लेकर इनको भी धन्य किया और मानव योनि को भी धन्य किया। भगवान श्री हरि विष्णु अपने साथ अपने अंश रूप में तीन भाइयों को लेकर अवतरित हुए, महाराज दशरथ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा के इन चार पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। महाराज दशरथ के महल से लेकर पूरी अयोध्या जी सहित तीनों लोकों में आनंद छा गया। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, ऐसा जन्मोत्सव हुआ कि भगवान सूर्यदेव महीने भर अयोध्या जी के ऊपर ही खड़े रह गए। भूल गए कि उन्हें अस्ताचल की ओर भी जाना है। मास दिवस कर दिवस भाव, महीने भर का दिन हो गया, महोत्सव चलता ही रहा। रात महारानी सोच में पड़ गई कि यदि सूर्य भगवान हटेंगे ही नहीं तो मैं कैसे आऊंगी, कैसे प्रभु का दर्शन कर पाऊंगी। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री राम जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे नारायण, मुझे भी आपके दर्शन करने हैं, सूर्य भगवान को विदा कीजिए जिससे मेरा आगमन हो सके। प्रभु श्री राम जी ने तुरंत रात की बात सुनी, संकेत कर दिया और भगवान सूर्यदेव अस्ताचल की ओर चल पड़े। रात आई तो भगवान से शिकायत करने लगी कि हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन देने में बड़ी ही देरी कर दी, बहुत प्रतीक्षा करवाया आपने प्रभु। भगवान ने कहा, दर्शन देने में भले ही प्रतीक्षा करवाई हो, भले ही विलंब हुआ हो, पर वरदान देने में कोई विलंब नहीं करूंगा। विलंब से आपकी गोद में आया हूँ, इसलिए आपको वचन देता हूँ कि इस अवतार में यह शरीर आपके रंग में ही रंगा रहेगा, अर्थात मैं रात की कालिमा लेकर काला ही रहूंगा। रात तो धन्य हो गई, तभी चंद्रदेव भी आ पहुंचे। भगवान को प्रणाम करके दर्शन करते हुए बोले, भगवान, मैंने भी बड़ी प्रतीक्षा की है आपके दर्शनों की। महीने भर से पीछे खड़ा सोच विचार कर रहा था कि कब भगवान सूर्य जाएंगे और कब मैं आपके दर्शन करूंगा। ऐसी प्रतीक्षा अब दोबारा मत करवाना प्रभु। भगवान गदगद हो गए और चंद्रदेव से बोले, हे चंद्रदेव, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, आपको तो मैं सदा सदा के लिए अपने नाम में सजा लूंगा। और ये कहकर भगवान श्री राम जी ने चंद्रदेव को वरदान देते हुए कहा, यह दशरथ कौशल्या नंदन राम आज से रामचंद्र कहलाएगा। ऐसे हैं मेरे प्रभु श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
देवा। तेरी प्रभु मेरे मन में बसे, कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे। तेरी प्रभु मेरे मन में बसे, कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे। कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे, थामा जिसे। तुम्ही हो भक्तन के हितकारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार माता कौशल्या ने छोटे से बालक राम लला को स्नान कराया, श्रृंगार कराया, काजल का टीका लगाया, दुग्ध पान कराया और पालने में सुला दिया। एक बार जननी अनवाहे कर श्रृंगार पलना पौड़ाए, लल्ला को नहला धुला कर खिला पिला कर कौशल्या माता हर के मंदिर में भगवान को भोग लगाने गई। पर वहां देखती क्या है कि राम लला मंदिर में बैठे भगवान को लगा हुआ भोग स्वयं खा रहे हैं। कौशल्या मैया चकित होकर पालने के पास दौड़ी दौड़ी आती है तो वहां भी देखती है कि राम लला वैसे ही पालने में लेटे हुए खेल रहे हैं। आश्चर्यचकित मैया फिर दौड़ के मंदिर जाती है तो वहां भी राम लला को देखती है कि मंदिर में बैठे भगवान का भोग खा रहे हैं। कौशल्या माता हक्की बक्की और आश्चर्यचकित हो जाती है, इतनी भ्रमित हो जाती है कि अचेत होने लगती है। तभी बाल रूप में भगवान श्री राम कौशल्या मैया की गोद में आकर बैठ जाते हैं और भोग प्रसाद से भरा अपना बालमुख मुस्कुराते हुए खोल देते हैं। भोग प्रसाद से भरे हुए मुख को मैया देखती है और देखती ही रह जाती हैं। बालक राम लला के छोटे से मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाई देने लगता है। करोड़ों सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत तारे, अनगिनत ग्रह नक्षत्र राम लला के मुख में घूम रहे हैं। कौशल्या मैया घबरा जाती हैं, आंखें बंद कर लेती हैं। राम जी बाल सुलभ मुस्कान मुखड़े पर सजाए खेलने लगते हैं। कौशल्या माता समझ जाती हैं कि ये प्रभु की माया थी जिसने मुझे भरमाया। वो जानती तो हैं कि मेरे पुत्र के रूप में परमात्मा ही प्रकट हुआ है, परंतु कौशल्या मैया उस परमात्मा को परमात्मा की तरह नहीं पुत्र की तरह देखना चाहती हैं और मानना चाहती हैं। इसलिए वो बालक राम से कहती हैं, राम मैं तुम्हें आजीवन पुत्र के समान ही देखना चाहती हूँ। यदि मुझ पर तुम्हारा तनिक भी स्नेह है तो अब कभी सपने में भी मुझे तुम्हारी माया न सताए, ना डराए और ना भरमाए। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोद न ठाना, होई बालक सुर भूपा। माता की यह बात सुनकर उनका मनोरथ जानकर और उनका अनुरोध मानकर राम जी
सामान्य से नन्हे बालक होकर पहले की तरह रोने लगे और मैया उन्हें गोद में उठाकर दुलारने लगी और मनोहार करने लगी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय सिया राम।
दशरथ अजर बिहारी। संकट भारी
भगति जगत सब सपना। सुमति ना संपत्ति नाना
भावम मति अनुरूप राम गुण कागद को रे कभी कभी देख एक नहीं मोरे सत्य कहूं लिखी कागद को रे वही तीरथ सकल तहां चलिया वही सुजस बर पारी मधुर मनोहर मंगलकारी
सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। भरत जैसा त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो, और लब कुश के जैसी संतान हमारी हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो, और हनुमत के जैसे निष्ठा और शक्ति हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। मेरी जीवन नैया हो, मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हो, प्रभु राम खेवैया हो, और राम कृपा की सदा मेरे सर छैया हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। सरयू का किनारा हो, सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, निर्मल जलधारा हो, और तरस मुझे भगवान हर घड़ी तुम्हारा हो, और चरण हो राघव के
जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। कौशल्या सिमाई हो, कौशल्या सिमाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, और स्वामी तुम्हारे जैसा मेरा रघुराई हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। इंसान नहीं जग का मेला दो दिन का है,
अंत में होगी चला चली, जग का मेला दो दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। मोती लूटे वह तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो बात सुनाओ खरी खरी, चांदी सोने वालों सुन लो बात सुनाओ खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। अपनी कहलाएगा, ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। ओ, दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहलाएगा, ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। दो दिन का यह चमन खिला है फिर मुरझाए कली कली, दो दिन का यह चमन खिला है फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम।
सागर नाथ देखोगे अब गुण हमारे भव से लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे पतितों को पावन है करते कृपा निधि पतितों को पावन है करते कृपा निधि पतितों को पावन है करते पतितों को पावन करते कृपा निधि पतितों को पावन करते कृपा निधि किए पाप है इस सुयश के सहारे अगर नाथ देखोगे हमारे लिए क्यों देरी किए हो हमारे लिए क्यों देरी किए हो हमारे लिए क्यों देरी किए हो हमारे हमारे लिए क्यों देरी किए हो हमारे लिए क्यों देरी किए हो गणिका अजामिल को पल भर में तारे अगर नाथ देखोगे ये माना अधम है अपावन कुटिल है ये माना धर्म है अपावन कुटिल
ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। कुछ है लेकिन है भगवान तुम्हारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, मन मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। इसे शुद्ध करने में राजेश हारे, भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे अब से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे अब से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अगर नाथ देखोगे अगर नाथ देखोगे। श्रीरामरक्षास्तोत्र मंत्रस्य बुधकौशिकर्षिः श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्ठुप छंदः सीता शक्तिः श्रीमद्हनुमान के चंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्
ध्यायेदा जानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामां कारुढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालंकारदीप्तं दधतमरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् इति ध्यानम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम् जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतूणधनुर्बाण पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्रातुं आविर्भूतमजं विभुम् राम रक्षां पठेत् प्राज्ञः पापग्नीं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशो पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रवत्सलः जिह्वा विद्यानिधि पातु कंठं भरतवंदितः कंधौ दिव्यायुध पातु भुजौ भग्नेश कार्मुकः करौ सीतापति पातु हृदयं जामदग्न्यजित मध्यं पातु खरत्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेश कटी पातु सक्थिनी हनुमत् प्रभुः ऊरु रघुत्तम पातु रक्षक कुल विनाशकृताः जानूनी सेतु कृत पातु जंघे दशमुखां तकः पादौ विभीषण श्रीदः पातु रामोखिलं वपुः एतां राम बलो रक्षाम य सकृति पठेत सचिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत पाताल भूतल व्योम चारिनश्चदं चारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्थे रक्षितं राम नामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वास्मरण नरो न लिप्यते पापै भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रेकमन्त्रेण रामनाम्नाम्भिरक्षितं यः कण्ठे धारये तस्य करस्थाः सर्वसिद्ध
अथयः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत अव्याहताज्ञाः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामकल्पवृक्षाणां विरामसकलापदाम् अभिराम स्त्रीलोकानां राम श्रीमानसनः प्रभुः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रो दशरथस्यैतो भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघुत्तमौ आतः सज्जधनुषा विशुस्प्रशा वक्षयाशु गणिशङ्गसङ्गिनो रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावघ्रतः पथि सदैव गच्छता सन्नदः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकम् रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघुत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकी वल्लभ श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्त श्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति संशयः रामं दुर्वादलश्यामम् पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नाभिर्दिव्यैर नते संसारिणौ नरः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरम् काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम
श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री राम चंद्र चरणो मनसा स्मरामि श्री राम चंद्र चरणो वचसा गृणामि श्री राम चंद्र चरणो शिरसा नमामि श्री राम चंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सुखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु ज्ञानं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनं भवबीजानां अर्जनं सुखसंपदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धराः राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने इति श्री बुध कौशिक विरचितं श्री राम रक्षा स्तोत्रं संपूर्णं श्रीराम 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 श्री
Yeah.